मॉर्निंग एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, जैसे कि आप सब देखेंगे आगे को। तो आज हम जा रहे हैं कतर बॉलिंग सेंटर में, जो कि मैंने आपको अभी दिखाने के लिए अंदर जाऊंगा। मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा वेट कर रहा हूं, हमारा अभी एक ग्रुप आना बाकी है जिसके लिए हम अभी वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा अंदर की वीडियो ले लेते हैं जब तक वो आते नहीं, तो साथ ही साथ अब देखते हैं अंदर क्या होता है। तो जाने के बाद पहले हमने सोचा नोटिस बोर्ड में देख लेते हैं। नोटिस बोर्ड में जैसे कि आपने देखे क्या क्या गेम चल रहे हैं, बिलियार्ड, पूल, स्नूकर, और साथ ही साथ सूट भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ हैं, तो अब हम वेट करने की जगह अंदर जाने की जा रहे हैं। अब जाते जाते मैंने सोचा चलो वीडियो आपको शेयर करूँ। तो अब देखिए हम अंदर आगे की ओर चल रहे हैं, अभी तो पूरा खाली खाली सा दिख रहा था। अब अंदर जाने के बाद हमने थोड़ा सा देखने को मिला कि कुछ लोग अभी खेल रहे हैं, पर अभी फ्रेंड लोग साथ में जो आने बाकी थे उनका वेट करने के लिए हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो वेट करते करते मैंने सोचा थोड़ा वीडियो इधर की ओर आगे की ओर बढ़ाई जाए। तो फिर थोड़ा वेट करने के बाद मेरे फ्रेंड लोग आ गए, अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। चलते हुए अब आगे को हमें क्या देखने को मिलता है देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर शूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शूज़ काउंटर में गए और शूज़ के लिए हम वेट कर रहे हैं कि अब शूज़ हमें कौन से साइज़ के लेने हैं। जैसे कि शूज़ काउंटर दिख रहा है, यहाँ पर एक जेंट्स और एक मेल है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड लोग भी देख रहे हैं, आज पहली बार यहाँ बॉलिंग सेंटर में आए हुए हैं, तो हमने सोचा चलो देखते हैं इधर क्या होता है। तो शूज़ हमारे को एक एक करके मिलना स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू मैम। आप आगे देखते हैं आप क्या लेने के बाद आगे और बढ़ चले हैं। अभी हमें अपना काउंटर मिलेगा, इस काउंटर में हमारी गेमिंग स्टार्ट होगी। तो लाइक देखते हैं, ये देखिए हमारा काउंटर आपको दिख रहा है जिसमें नाम भी दिख रहे हैं, विजेज आसमान टीम। यहाँ पर लोग कैसे बॉल थ्रो कर रहे हैं, अब लोगों को तो थ्रो करते हुए हमने देख लिया। हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं बॉल के साथ। तो मैंने पहले अपने फ्रेंडों को कहा कि ज़रा देखो बॉल का साइज़ और बॉल का वेट कितना है। वेट तो अराउंड थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। मैंने भी पकड़ के कोशिश की, ज़रा देखते हैं कितना है। बट पकड़ने में फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी नहीं हो रही थी, बट फर्स्ट टाइम था तो पकड़ नहीं पा रहा था मैं। मैंने बोला चलो मेरे फ्रेंड लोगों को ज़रा देखो कैसा है ये बॉल। तो सारे के सारे एक साथ देख रहे हैं बॉल। फिर मैंने बोला चलो यार भाइयों मैं भी, मुझे भी देखो, मैं भी देखता हूँ वेट कर गया। चलो इस बार पकड़ में भी मैंने बॉल पकड़ के इजली की कोशिश, पर बॉल थोड़ी भारी है, फेंकते हुए थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। सो नाउ अब हमारी टीम की पहली मदीना स्टार्ट कर रही है अपना गेम। सो ये स्टार्ट कर रही है उनका भी पहला थ्रो, देखते हैं कैसा जाता है। सो देखिए अभी थ्रो किया पर बॉल सीधी ना जाने के बाद टेढ़ी चलेगी, पर ये सही नहीं रहा। अब मेरा टर्न आ गया, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करता हूँ। मेरा फर्स्ट थ्रो था, तो मैंने फेंक कर देखा तो ठीक लगा, फेंकने में ईजी थी बट सही गया थोड़ा बहुत ट्राई। फिर मेरे बाद मेरे दोस्त जसमान ने अपना स्टार्ट किया, उसने भी अराउंड थोड़ा बहुत गिरा ही दिया। अभी हमारा काउंटडाउन चल ही रहा था, दूसरे साइड से रॉबिन भी खेल रहा है। आप देख सकते हैं ये दोनों टीम अलग अलग है, एक साइड से हम खेल रहे हैं। तो फिर से मदीना का टर्न आ गया, वो बहुत एक्साइट थी, पहली बार में उसका सही तरीके से थ्रो नहीं किया। तो देखते हैं अभी तीन बॉल उसने ईजिली थ्रो किया, अभी देखते हैं गया, बट वो हट ही नहीं, वो थोड़ी खुश नहीं है, बट दिखने में खुश लग रही है। पूरे बॉल से गिरने की जगह अब चौथे नंबर पे हमारे हकूमी ब्रदर हैं, उन्होंने थ्रो किया, उनका भी थ्रो सही नहीं जा रहा। इनका स्टार्टिंग में थ्रो सही नहीं जा रहे थे, हमारे थ्रो बिल्कुल सही जा रहे थे, पर देखने में बड़ा इजी लग रहा था। थ्रो करते हुए ही पता चल रहा था कि कितनी सही तरीके से थ्रो हो रहा है। अभी सेकेंड राउंड इन्होंने फिर से चला, अभी देखिए इनके एक भी बॉल नहीं मिल रहे, देखने में तो बड़ा इजी है, बट मेरा कहने का मतलब है जो खुद थ्रो करेगा वही कर पाएगा। देखिए इन्होंने बिल्कुल इजीली तरीके से थ्रो किया और थोड़ा बहुत गिरे भी हैं,
अब मैंने बोला चलो दूसरी साइड से हमारे दिवेश भाई शो कर रहे थे और इनके भी थोड़ा बहुत गिर रहा है। स्कोर देख सकते हैं मदीना 9 में, ब्रिजेश 8 में, फिर मदीना का टर्न आ गया। मदीना कोशिश करने में जा रही है पर कोशिश बोलते हैं ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर होता जा रहा है। मदीना ने भी स्कोर ठीक नहीं कर रखा, पर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे को खेलने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो आप सोच सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं। ऐसे देखिए चलने लग जाती है। ओके 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 तू यार ना रहा है तो तूने मेरी वीडियो खराब करवा दी। ये ले अब देख। मैंने कहा ना कि ये इस गेम को इजीली खेला नहीं जा सकता, मैंने फिर थ्रो किया। इस बार पहले के जैसा नहीं रहा, मैंने कोई सा भी नहीं गिराया। फिर से एक और बार चांस मिली तो इस बार भी ट्राई करते हैं। ए ट्राई तो चलो ठीक है पर गिरा नहीं तो अगेन फिर से मेरा टर्न आ गया है। तो इस बार मैंने सोचा चलो फिर से ट्राई करते हैं क्या होता है। इस बार थ्रो किया तो थोड़ा बॉल एक गिरी है, देखिए आप देख सकते हैं एक दो बॉल रह गई। ये सिचुएशन बहुत बेकार रहती है, जब एक दो बॉल रहती है तो फिर बहुत कम चांस रहते हैं कि बॉल गिरे। ये देखो मैं फिर ट्राई किया, क्या पता गिर जाए, पर गिरने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। सुना ओनली वन रिमेनिंग Here is our booty. Swing. Oh my god. Okay, okay. Come, come, come. Oh, bhai Robin ne bhi gira diye. ऐसा भी होता है बहुत लोग बंदा गिर जाए जैसे आप देख रहे हैं, पर और बॉल के साथ और भी गिर जाते। काउंटर हमारा ख़त्म हो चुका था, अभी जिन्होंने हमारी चांस कंप्लीट हो रखी है, 7 वाले काउंटर अभी चल रहा है, इनके भी चांसेस बची हुए। एक ये गिराई थी रॉबिन ने अच्छे से, अभी दूसरा दिवेश भी डाल रहा है, दिवेश के भी जा ही रहे हैं, एक आधे स्कोर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे आईएमएम भाव अपने चांस का वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉल उठाई और दे
ला ये मारा, इनका भी निशाना बिल्कुल सही है। अभी 3 रह गए हैं, अभी उन्हें एक और चांस मिलेगी, जो उन्हें चांस में कंप्लीट करना है। तो ये आखिरी राउंड इनका चलता हुआ, आप ये वेट कर रहे हैं, अब बॉल को थ्रो करने ही वाले हैं, आप देखते हैं कितने। तो ये हैंक कर देखिए, तीनों की तीनों गिर गए, तीनों गिर गए। अब इन्हें एक और चांस मिलेगा, अपने ये देखिए इन्होंने लास्ट चांस चल के अब कितनी कुछ, अरे दो बंदे पड़ी है, पूरा कंप्लीट स्कोरिंग चांस खत्म हो चुकी है। आप taking the food, so happy. See? Now she's so happy for taking food around. Voila, voila. Okay, no problem. See? She's very smart. We are going to cafeteria. Now our game is finished. And we are going to sleep. थोड़ा कैमरा अपनी तरफ भी करके दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप हम जाएंगे कैफेटेरिया की ओर सभी के सभी मिलकर। There is also the snooker center. I know. You know? Yeah, I know. You know? Yeah. So play now, no problem. Class. This is 20 real. Play, no problem. So that's a video of the snooker also. जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप मुझे बताएं आपको कैसे लगी, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जैसे कि मैंने कहा है कतर सेंटर बॉलिंग सेंटर में आप आएं और आप खुद इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।